हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे खिचड़ी। तो ये खिचड़ी बनाने के लिए बहुत ही अमेजिंग सा तरीका है। तो देखिए, मैंने गोभी, धनिया पत्ती, एक कटोरी दलिया, एक कटोरी चावल और मैंने अरहर की दाल और उड़द की दाल ली है। इसके लिए एक कटोरी मटर और दो टमाटर और आलू को मैंने पतले स्लाइसेस में कट करके उसके बाद कुकर को गैस पे चढ़ाएं। आधी चम्मच जीरा ऐड करें। तेल सरसों का हो तो आप कोई भी तेल ले सकते हैं। उसके बाद मिर्च को ऐसे ही कट करके दलिया को अच्छे से भून लेना है ताकि ये इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। दलिया की खिचड़ी बनाएं। घर में अगर कोई नहीं जान रहा हो खिचड़ी बनाते वक्त, तो वो पता ही नहीं चलेगा उसको कि इसमें दलिया पड़ी हुई है। तो वो बहुत ही अमेजिंग सी बनती है। तो इस तरीके से हल्का हल्का चलाते हुए आपको फ्राई कर लेना है। पहले सारी चीज़ें भुनना है पहले ही। ऐसा नहीं कि पहले ही सारी चीज़ें कुकर में भर के कुकर पर सीटी लगा दो, नहीं। तो पहले तेल ऐड करें, उसके बाद ये सारी चीज़ें, चावल वगैरह वगैरह जो सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हमें अच्छे से भून लेनी है। तो हम अब चावल भी भून रहे हैं, दलिया हमारी भुन गई है। तो अब चावल को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दाल और उड़द की दाल, अरहर की दाल और उड़द की दाल, ये दोनों दाल हम इसमें ऐड कर देंगे। तो उड़द की मैंने बहुत कम ही ली थी। तो ये देखिए, इस तरीके से जब सारी चीज़ें मेल्ट करके अच्छे से भून ली जाती है, उसके बाद इसमें आलू जो मैंने बताया कि पतले पतले स्लाइसेस में मैंने चिप्स का कट करके पतला पतला कर दिया है ताकि इसमें बिल्कुल भी पता ना चले किसी को। और ये देखिए, इसमें दोबारा से ये मटर भी जाएगा, उसके बाद ये टमाटर इसमें जाएगा। सारी चीज़ें जब मिक्स करके इस तरीके की दलिया वाली खिचड़ी बनाओ ना, तो बहुत ही अमेजिंग सी बनती है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया करे तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करिए ताकि हर तरह की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो देखिए, इसके बाद पड़ेगी गोभी, उसके बाद मैंने जो धनिया पत्ती कट करके रखा हुआ था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो धनिया पत्ती डालने का यही प्रोसेस होता है कि हमारी जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं अगर उसमें धनिया पत्ती पड़ जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर और नमक अपने स्वाद अनुसार, एक चम्मच गरम मसाला, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम उसमें पानी 1 लीटर या फिर आप 1.5 लीटर, या पर ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो उसी हिसाब से पानी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो कुकर को करेंगे बंद, इसके बाद 4 सीटी का इंतज़ार किया, उसके बाद हमारी दलिया बिल्कुल भी बन के रेडी हो गई। तो ये देखिए हमारी कितनी अमेजिंग और बढ़िया सी दलिया बन के ये खिचड़ी बनके रेडी हो गई है। तो ये वाली खिचड़ी आपको बनानी है तो ये बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। आई होप अगर आपको इस तरीके की खिचड़ी बनानी है तो मेरे वीडियो को ज़रूर ट्राई करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करिए। इसे बनाना बहुत ही कम टाइम में फटाफट बनके रेडी हो जाती है। तो अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय बाय।